नमस्कार, आप देख रहे हैं khategawal.com। कुछ देर पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बैतूल के लिए एक व्यक्ति को हमने रवाना किया जो कि पीतमपुर से पैदल अपने घर जा रहा। दोनों बढ़ रही है, हाँ। कोई ये नहीं देख रहे कोई करने वाला हमारा, तो आपने सोचा कि घर जाना बेटर रहेगा। खाने पीने की समस्या, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ की, बहुत सारी समस्या है, तो सोचा कि घर चलो, घर सेफ रहेंगे। इसके लिए जैसे तैसे जैसी व्यवस्था जमी हमारी, बैग में कपड़े भरे, तो बस चल रही है। अच्छा, आपको क्या मदद मिली रास्तों में? रास्तों में हमें मदद प्रशासन से अच्छी मदद मिली, हमें दिखाया उन्होंने जैसे तैसे गाड़ियों में, ट्रक में, खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कोई परेशानी तो नहीं है आपको। सहयोग मिला हमें पूरा पुलिस से, इंदौर से लेके अभी खातेगांव तक पूरा सपोर्ट मिला हमें पुलिस प्रशासन का, तो के लिए धन्यवाद पुलिस प्रशासन का। अच्छा, अभी आपको घर जाने के बाद क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में बताओ। अभी हम थाने में आए थे, खातेगांव थाने में ही, सर हम इंदौर से आ रहे हैं, तो हम चाहते कि हमारी जाँच हो जाए, कुछ हमारे कुछ संक्रमण तो नहीं पाएगा, क्योंकि हम इंदौर से आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला है 8-15 दिन घर जाइएगा, दूर से नहाइएगा, कपड़े अपड़े मोबाइल जो भी हो सबको अच्छे साफ करके नहा लीजिए। 15 दिन सावधानी बरते, किसी से मिलना जुलना नहीं है, घर वालों से 3-4 फीट दूर ही रहना है, सारी सावधानी बताइए। 104 पर फोन लगाइएगा, अगले दिन आपके घर एम्बुलेंस आएगी, अब जाँच करने वाली टीम आएगी, आप उनसे जाँच कराइएगा। आपको विशेष रूप से जो हुआ अभी तक ठीक है, विशेष रूप से सावधानी ये रखनी है कि अभी 2 दिन अभी जाके तो अच्छे से नहाना, पूरे कपड़े वगैरह सब लोगों को अच्छे से धोना, हीटर वगैरह जो व्यवस्था हो जाए। साथ में हमको कल परसों में
वो जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है 104 पे, 104 पे हमको संपर्क करके जांच जरूर करानी है ना। तो ये भाई थे, क्या नाम होगा? मेरा नाम अरविंद मालवी। अरविंद मालवी और नितेश वर्मा है। इनके लिए खातेगांव से चिचली जाने की व्यवस्था कर दी है, यानी इनकी गाड़ी आ रही है, पुलिस प्रशासन जिन नहीं रोकेगा, इन तक घर तक पहुँचाएगा। जो साथ में व्यक्ति आएगा उसको वापस बोलना कि नहाना है अच्छे से और संपर्क नहीं रहा, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आप जो है आपकी यात्रा रही जैसी भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति कहीं जा रहा है आ रहा है तो उससे पूछ लें, उससे बात कर लें, क्योंकि हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी है और मजबूरी के कारण ही वह यहाँ से अपने घर पर जाना चाहता है, परिवार से दूर जाना चाहता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखकर कहीं ऐसा लगता है तो आप लोग उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें और कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था भी उन लोगों के लिए करें और हो सके तो लिफ्ट दे दें। पर ध्यान रखें कि कोरोना वायरस के चलते हमको दूरियाँ जरूर बनानी है, लोगों से दूरियाँ बनानी, सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।